माय नेम इज़ ऋषभ और ये मेरा पहला इवेंट है आप लोगों के सामने, तो शायद अगर मेरी आवाज़ में कुछ लड़खड़ाहट समझ में आए तो प्लीज़ गुस्सा मत करिएगा। और सेकेंड थिंग कि मैम ने बाद में फ़ोन लिया था तो उसके लिए दो लाइन से कि मैंने पहले फ़ोन लिया है कि मेरी यादाश्त कुछ कमज़ोर है, पढ़ते पढ़ते रुक सा जाता हूँ, इसे मेरी आदत मत समझना, और सुनाते सुनाते कुछ लाइन्स सुना जाऊँ अपनी ज़िंदगी की कहानी तुम्हें, तो उसे सिर्फ कहानी समझना, मेरी ज़िंदगी का किस्सा मत समझना। शुक्रिया कि माँ के बिना कोई किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग नहीं हो सकती है, इसलिए सिर्फ दो लाइन्स माँ के लिए कि जब मदर्स डे आता है तब शायद सभी के स्टेटस पे फोटोज होती है, मैसेजेस होते हैं, उनके लिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन पूरे साल फिर हम उन्हें भूल जाते हैं 364 दिन। उनके लिए दो लाइन्स हैं कि वो रिश्ता जो हर रिश्ते की शुरुआत है, कहने को तो एक छोटा सा शब्द है मगर समझो तो उसमें सारी कायनात है। मतलब के सब रिश्ते इस जहाँ में इस जहाँ से उस जहाँ तक बेमतलब का रिश्ता होती है माँ, और संस्कार बिगड़ते हैं उनके जिनके नसीब में नहीं होती है माँ। दिखावा रोज़ दिखावा नहीं, आज एक दिन बनाते हैं माँ के नाम पे मदर्स डे पर। समझते क्यों नहीं दिखावे की दुनिया के लोगों, माँ का दिन नहीं होता, दिन रात होते हैं माँ के नाम। शुक्रिया कि जो समय मिला है उसमें चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा तो मेरे लिए सोचे मेरे जाने के बाद, इसलिए दो लाइंस मोहब्बत से ही है कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं मुझ पर कि उन्हें रोता देखकर हम मुस्कुरा रहे हैं। कमबख्त किसी को क्या पता इस मुस्कुराहट के पीछे क्या क्या छिपा रहे हैं। हर किसी की लाइफ में कोई एक ऐसा आता है जो सुबह से लेकर शाम तक दिन रात उसका दिमाग खाता है, फिर जब चला जाता है तो उसके लिए दो लाइन्स है कि सुना है मोहल्ले बदल बदल कर इश्क फरमा रही होगी। उस बेवफा से पूछो कोई जाकर, कमबख्त जाने के बाद उसे मेरी याद नहीं आ रही होगी। मुझे मालूम था तू मुझे एक दिन छोड़ जाएगी। हाँ मुझे मालूम था तू मुझे एक दिन छोड़ जाएगी, किसी रकीब के सहारे मुझे तन्हा इस दुनिया में छोड़ जाएगी। धन्यवाद। पता है लिखता हूँ बहुत बुरा मगर एहसास लिखता हूँ, मेरी आंखें जो ना देखें वो सारे ख्वाब लिखता हूँ, जुनून तो कुछ और भी था मेरे दिलो दिमाग में छाया, मिलके तुझसे जो बदतमीजियाँ सीखी बस वही हर बार लिखता हूँ। हर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब घूमने का टाइम आता है तो अपनी पूरी मतलब लव स्टोरी में मतलब जो टाइम पीरियड होता है 2-3-4 साल 5 साल 6 साल उसमें मंदिर या मस्जिद जरूर जाते हैं, तो वही दो लाइन्स हैं कि उस खुदा की दहलीज़ पर सर दोनों ने झुकाया, हमने दुआ में उसकी दुआ पूरी हो मांगा, और कमबख्त वो किसी और को मांग रहे थे, और मोहब्बत तो देखो उस खुदा की, उसने दोनों की दुआ कबूल कर ली। शुक्रिया। एक नज़्म है, जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप वहाँ पहुँच पाए तो शायद समझ पाएंगे कि डरी सहमी बिस्तर पर करवट बदल रही होगी
और वह जब चुपके से रात में मुझसे बातें कर रही होगी, डरी सहमी बिस्तर पर करवट बदल रही होगी, वो रात में बिस्तर पे जब चुपके से मुझसे बातें कर रही होगी, वो बोली थी दीदी के साथ सोया करती है। उफ, मेरे मैसेज कहीं दीदी तो नहीं पढ़ती हैं? वैसे तो दीदी को बहुत पसंद हूँ मैं, कंबत ना जाने के छुटकी से मेरे रिश्ते में ऐतराज करती है। हाँ, आखिर दीदी है बड़ी, शायद किसी अनजान लड़के से ज़्यादा उसे प्यार करती है वो। शुक्रिया। वो हर बात के बाद अपनी दी का ही ख्याल करती है। हाँ, अपनी माँ को चाहती है और भाई की बात करती रहती है। वो पागल लड़की चाहती तो है मुझको भी, मगर सबसे आखिर में मेरी बात करती है। ऐसी बात नहीं, हाँ मतलब कि ऐसी बात नहीं कि उसकी इन बातों से जलता हूँ मैं, हाँ मगर उसके भाई जितना ही उसको शायद प्यार करता हूँ मैं। शुक्रिया। उसकी शैतानियाँ मुझे पसंद हैं। हाँ उससे प्यार है, वो चाहती है जितना अपने परिवार को, शायद उसकी इसी हरकत से मुझे प्यार है। हाँ उसकी दी को समझाना है, लास्ट लाइन है, थोड़ा जुड़िएगा कि हाँ उसकी दीदी को समझाना है, वो मेरा भी परिवार है, दी समझो ना, आपकी छुटकी से मुझे प्यार है। मजा आ रही है, हट जाओ। कि जाने के बाद दो लाइन उसके लिए है कि उसके जाने का पता मुझे पहले से था, उसके जाने का एहसास कमबख्त आज हुआ है। शुक्रिया। कि जब भी महफिल में बैठे, जुड़िएगा, महफिल ही है शायद, कि जब भी महफिल में बैठे आंखें भरी और जुबा पे तेरा नाम आया, कि जब भी महफिल में आवा नहीं आएगी तो पढ़ते ही रहूंगा। कि जब भी महफिल में बैठे आंखें भरी और जुबा पे तेरा नाम आया, और जैसे जब वो पढ़ रही थी आप लोग मुस्कुरा रहे थे, हम भी ताली बजा रहे थे, उसी के ऊपर है कि जब भी महफिल में बैठे आंखें भरी और जुबा पे तेरा नाम आया, और देखो जरा जमाने की फितरत, किसी का दर्द किसी की मुस्कुराहट के काम आया। उम्मीद नहीं की थी इतना प्यार मिलेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा मिला। ये भी शायद सभी के साथ हुआ होगा, मतलब सबके नहीं तो 80% लोगों के साथ होता ही होता है, आजकल ट्रेंड है, जैसे सुबह उठते हैं, मंजन करते हैं, खाना खाते हैं, रात में सो जाते हैं, वैसे हर किसी की लाइफ में कोई आता है, रुकता है, फिर चला जाता है, रूटीन है। उसके लिए है कि कहते हैं कि उन्हें इश्क का ई सिखाया हमने, और उन्हें यारों का यार बनाया हमने, और जब हमें उनके इश्क की ज़रूरत थी वो किसी और से इश्क फरमा रहे थे, और जब हमें उनके यारी की ज़रूरत थी वो किसी और के साथ यारी निभा रहे थे। शुक्रिया। कि स्टार्टिंग में सुनाया था कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, उसी पे है कि ये लाइंस लिखी तो है लेकिन आपके बिना अधूरी है, तो मेरी हर एक लाइन के बाद आपको एक चीज़ मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा, हमें क्या, इस पूरी जो नज़्म है उसका सारांश ही है कि हमें क्या। तो पढ़ता हूँ कि उनके हुस्न के चर्चे सरे बाजार होते होंगे, कि उनके हुस्न के चर्चे सरे बाजार होते होंगे, उनके लहजे से कत्ल सरेआम होते होंगे, कि उनके वंश के, कि उनके हुस्न के चर्चे सरे बाजार होते होंगे। सब लोग जुड़िए साथ हैं, परेशान तो नहीं करो अपनी अधूरी का स्टोरी पूरी करा के। कि उनके हुस्न के चर्चे सरे बाजार होते होंगे,
उनके लहजे से कत्ल सरेआम होते होंगे, हमें क्या? उनकी मुस्कुराहट से पागों के फूल गिरते रहते होंगे, हमें क्या? कमबख्त मिसालें लाख उनकी बातों की देकर लोग मशहूर हुए, हमें क्या? और वो हमारे होने के बाद रकीब के हुए, वो रकीब सोचे वो रहे होंगे किसी की बाहों में मसरूफ तमाम रात हमारे पास से जाकर, हमें क्या? कि उनकी नजरों से बेवफाई छलकती होगी और हम नहीं तड़पे उनके छोड़ के जाने के बाद, कोई बता दो उन्हें वो लौट कर आए, वो अब लौट कर आए मेरी चौखट पर तो हमें क्या? अमा जाओ उनकी बेवफाई के बाद वो जिए या मरे उससे शुक्रिया। थैंक यू सो मच, लव यू यार। तालियों में दम नहीं दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे स्मोकिंग कितने लोग करते हैं? नहीं बता, स्मोकिंग कितने लोग करते हैं? वेरी गुड भाई, कोई तो मिला मेरे दोस्त कि इसी पे है कि दो लाइन इंग्लिश पे कि लिकर सिगरेट इनऑक्टिकेशन एंड फ्रेंड्स, लीकर सिगरेट इनऑक्टिकेशन एंड फ्रेंड्स, मुर्शद इन्हें बदनाम ना करो, ये दवा है यार, दर्द भुलाने काम आते हैं। समझ में आई? एक बात फिर से बोलो। थैंक यू, यही चाह रहा था मैं। दारू सिगरेट नशा और दोस्त, दारू सिगरेट नशा और दोस्त, मुर्शद दवा है यार, इन्हें बदनाम ना करो, दर्द बदनाम करो। थैंक यू सो मच। कि एक नज़्म और है, थोड़ा सा जुड़िएगा, जैसे हमें क्या वैसे अच्छा होता। ताली बजेगी? वेट करना पड़ता है। अच्छा होता इस नज़्म का नाम है, और इसकी कुछ लाइन्स अधूरी थी, मतलब दो ही लाइन्स लिखी हुई थी। मेरे फ्रेंड है वेदांत सर, ये फोर्सफुली मुझे यहाँ पे लाए हैं, इनके कहने पे रात पे ही पूरी की है। तो ये स्टार्टिंग ऐसी है कि मोहल्ले दूर नहीं थे अपने, कि मोहल्ले दूर नहीं थे अपने, मेरी तरह तूने भी कुछ चक्कर मेरे घर के लगाए होते तो अच्छा होता। कि मोहल्ले दूर नहीं थे अपने, मेरी तरह तूने भी कुछ चक्कर मेरे घर के लगाए होते तो अच्छा होता। खिड़की और छत की जगह तो मेरे दिल में टहलने आए होते तो खुद की नजरें चुराई कई मर्तबा, खुद की नजरें चुराई कई मर्तबा, तुमने कभी हमसे नजरें मिलाई होती तो अच्छा होता। और मुकम्मल इश्क और इश्क की बातें तो की थी हजार तुमने, कि मुकम्मल इश्क और इश्क की बातें तो की थी हजार तुमने, थोड़ा सा मुकम्मल इश्क फरमाई होती तो शायद अच्छा होता। और अपने अब्बू से डर कर जो छत में टहलते रही तू मेरे जाने के बाद कई हफ्तों तक, कि अपने अब्बू से डर कर जो छत में टहलती रही तू मेरे जाने के बाद कई हफ्तों तक, तेरे मुमकिन था मैं पलट कर आता, मुमकिन था मैं पलट कर आता, तू घर से उतर कर आई होती तो अच्छा होता। तेरे अब्बू को मेरी बात बताई तेरी सहेली ने, तेरे अब्बू को मेरी बात बताई तेरी सहेली ने, तूने अपनी सहेली से मेरे खून के खत छिपाए होते तो अच्छा होता। और जो ख्वाब सजाए थे हमने एक दूसरे की निगाहों में देखकर, और जो ख्वाब सजाए थे एक दूसरे की निगाहों में हम दोनों ने देखकर, अम्मा यार हकीकत में ज़रा जीते तो शायद अच्छा होता। कि मोहल्ले दूर तो नहीं थे अपने, तूने शहर ही बदल डाला, कुछ समय और मेरे शहर में बिताया होता तो अच्छा होता। थैंक यू सो मच। कि लॉकडाउन पे कुछ सुनेंगे? टाइम एक दो और बस, दो लाइन से कि हमने कुछ ना होकर भी, हमने कुछ ना करके भी होते तमाशे देखे हैं,
हमने कुछ ना कर कर भी होते तमाशे देखे हैं, चले इतना दूर तुम्हारे संग फिर भी तनहा अपने पैर के छाले देखे हैं। यूँ तो हम भी हो सकते थे बेफिक्र तेरे जाने के बाद, यूँ तो हम भी हो सकते थे बेफिक्र तेरे जाने के बाद, मगर हम हजार दफा अपने को आईने में रोते गाते देखे हैं। कमबख्त वक्त को भी वक्त ना दिया वक्त के साथ वक्त बिताने का, कमबख्त वक्त को भी वक्त ना दिया वक्त के साथ वक्त बिताने का, और इतनी बेवफाई के बाद तुम कहते हो तुम्हें वक्त दे एक बार और आजमाने का। शुक्रिया। दुलाई से कि जब उसकी जिंदगी में मैं आया वो मौत की बाहों में थी, कि जब उसकी जिंदगी में मैं आया वो मौत की बाहों में थी, जब उसकी जिंदगी से मैं निकल रहा था कमबख्त वो रकीब की बाहों में थी। बस एक दो लास्ट है कि मैं तेरा बदला हुआ चेहरा तेरा साथ, कि मैं तेरा बदला हुआ चेहरा तेरा साथ तेरा मिजाज बदल दूंगा, कि मैं तेरा बदला हुआ चेहरा तेरा साथ तेरा मिजाज बदल दूंगा, वक्त तो आने दे मेरे हिस्से का, मेरे पास एक दिन वह भी आएगा जब मैं ज़िंदगी जीने का अंदाज बदल दूंगा, और तुझे लगता है आज कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन मुर्शिद वक्त वक्त की बात है, मैं तेरा यह सोचने का भी अंदाज बदल दूंगा। शुक्रिया। कि दर्द है कि दर्द इतना कि सहा ना जाए, दर्द इतना कि सहा ना जाए, प्यार इतना कि संग्रह ना जाए, सारी हदें कुछ इस कदर तोड़ी उन्होंने कि चुपचाप गुजरते हैं रात दिन, रो रो करती हैं रातें, और दर्द का आलम कुछ ऐसा कि किसी से कहा ना जाए। शुक्रिया। कि सुनिएगा, मेरे दिल की गहराई को समझ कहाँ पा रहे हो, मेरे दिल की गहराई को समझ कहाँ पा रहे हो, तुम यूँ बेवजह मेरे नज़दीक क्यों आते जा रहे हो, और तहरीर दूँ तो तुझे तेरी तस्वीर के बारे में बताऊँ क्या और कैसे, और तहरीर दूँ तो तुझे तेरी तस्वीर के बारे में बताऊँ क्या और कैसे, और तुम समझोगे मेरे शब्द कैसे जब मेरे आँखों को और मेरे लहजे को ही नहीं पढ़ पा रहे। वक्त नहीं है, शायद अगली बार आया तो अगली बार मेरा तो एक नज़्म है जो मेरी अधूरी है उसकी दो लाइनें सुना के जा रहा हूँ। कि ताली कि जब पहली बार उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराई थी, क्या हंसी समा था जब वो मेरे नज़रों के सामने आई थी, जब पहली बार मेरी नज़रें उसकी नज़रों से टकराई थी, कान में वाली नाक में नथनी मुस्कुराहट होठों में छिपाई थी, क्या हंसी समा था जब वो मेरे नज़रों के सामने आई थी। थैंक यू। शुक्रिया।